हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता जिसे हम ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल बर्गर और टिक्की के तरह लगेगा। इसे खाकर बच्चे बड़े सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 5 से 6 व्हाइट वाली ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आप चाहे तो व्हाइट के जगह पर ब्राउन वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। तो इसमें से हम एक ब्रेड ले लिए हैं और बाकी ब्रेड को साइड में रखे हैं। और अब हम इस तरह से एक कटोरा लेंगे, आप कटोरे के जगह पर ग्लास भी ले सकते हैं। और इस तरह से इस कटोरे से इस ब्रेड को हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सर्कल शेप में कट हो गया है। और यहाँ पर ब्रेड के जो साइड वाली पार्ट है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम इसी रेसिपी में यूज करेंगे। तो अभी इसको हम साइड में रख देते हैं, पहले सभी ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सभी ब्रेड को कट करके एक प्लेट में रख लिए हैं। और ब्रेड के जो साइड वाली पार्ट है यानी किनारे है, उसको भी एक प्लेट में रख लिए हैं। तो अब हम इस ब्रेड को साइड में रखते हैं, और ये ब्रेड के जो किनारे हैं इसको हम अभी ले लेते हैं और इसको हम डाल लेंगे एक मिक्सर जार में। तो इसी तरह से ब्रेड के सभी किनारे को हम इस मिक्सर जार में डाल लिए हैं। और अब हम जार के ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम पीस कर ले आए हैं। और अब हम जार के ढक्कन हटाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पीस गया है, ब्रेड क्रम्स बनके इसका तैयार हो गया है। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबला हुआ आलू। आलू को ठंडा होने के बाद इसका हम छिलका निकाल लिए थे, और अब इस आलू को हम एक ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं या हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आलू के बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, आलू अच्छे से मैश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों आलू को ग्रेट कर लिए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता डाल दिए हैं। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम चाट मसाला डाल दिए हैं, आप चाट मसाला के जगह पर अमचूर्ण पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर दिए हैं, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इस मसाला के जो फ्लेवर है इस आलू के अंदर तक चला जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे ना तो आप अपने अकॉर्डिंग इस आलू के मसाले को स्पाइसी बना सकते हैं, यानी कि आप जितना तीखा खाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग इसमें मसाला थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल लेंगे ब्रेड क्रम्स, जो यहाँ पर अभी हम ब्रेड के साइड वाले पार्ट को पीस कर रखे थे ना, ब्रेड के किनारे को, उसको हम इसमें डाल लेंगे। पूरा एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते हुए इसे डो फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पर आप बाइंडिंग के लिए चाहे तो कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस ब्रेड क्रम्स को डालेंगे ना तो इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेड वाली टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा इस नाश्ते में क्रिस्पीपन भी आएगा। और यहाँ पर अभी भी हमारा मिश्रण गीला लग रहा था, तो बाकी जो ब्रेड क्रम्स खाना सभी को हम इसमें डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसको हम इस तरह से मिलाते हुए डो फॉर्म में ले आए हैं। अगर अभी भी आपका मिश्रण गीला है तो आप इसमें एक और ब्रेड पीसकर डाल सकते हैं। मैं इसमें अलग से ब्रेड पीसकर नहीं डाली हूँ, और आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ गया है। तो हाथों को अच्छे से धुल कर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिए हैं,
ताकि ये मिश्रण हाथों में चिपके नहीं। और अब इसमें से हम मिश्रण ले लेंगे एक रोटी के साइज के जितना बड़ा, और इसे हथेली पर रखकर घुमाते हुए लड्डू के शेप देंगे, और इस तरह से हथेली से दबाते हुए इसे टिक्की के शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हम सभी टिक्की को पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सभी टिक्की को बनाकर एक प्लेट में रख लिए हैं। तो अब हम इस टिक्की को साइड में रखते हैं, और यहाँ पर जो अभी हम ब्रेड कट करके रखे थे ना, उसमें से एक ब्रेड के पीस लेंगे और बाकी साइड में रखेंगे। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक कटोरा में पानी, और इस तरह से ब्रश के हेल्प से इस ब्रेड के ऊपर हम पानी लगा लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी इसके ऊपर पानी लगा सकते हैं, यानी कि ब्रेड के ऊपर हमको हल्का गीला करना है। और इसके बाद यहाँ पर जो हम टिक्की बनाए थे उसमें से एक पीस टिक्की लेंगे और इस ब्रेड के ऊपर रखेंगे। इसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि टिक्की इस ब्रेड में अच्छे से चिपक जाए। तो इसीलिए ब्रेड के ऊपर पानी लगाना है, ताकि ब्रेड गीला होगा तो ये टिक्की इस ब्रेड में अच्छे से चिपक जाएगा। इसके बाद इस तरह से इसके किनारे को उंगली के हेल्प से, यानी कि इस तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। और ये देखिए, एक प्यारा सा पीसेस बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सभी को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए, अब इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ गैस पर हम एक पैन रख लिए हैं, आप पैन के जगह पर तवा भी ले सकते हैं। और अब हम इस पैन में डाल लेंगे 1 से 2 चम्मच जितना तेल। आप तेल के जगह पर घी या बटर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इस तरह से तेल को पूरे पैन में फैला लेंगे। गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम हम लो कर देंगे, और यहाँ पर जो हम नाश्ता बनाए हैं उसे एक एक करके सावधानी से इस पैन में डाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रेड वाला जो पार्ट है ना उसको ऊपर साइड रखिएगा, और आलू यानी कि टिक्की वाला पार्ट है उसको नीचे के साइड रखिएगा, क्योंकि ब्रेड जल्दी सेक जाता है, इसलिए ब्रेड को ऊपर के साइड रखिएगा। और थोड़ी देर के बाद इसको इस तरह से एक एक करके सावधानी से पलट लीजिएगा, और इसी तरह से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। तो ये देखिए, सभी साइड ब्रेड के भी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो गया है, और टिक्की के साइड भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे, और इसी तरह से बाकी सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।